भाई ये पेपर ट्रेडिंग ना पान के गल्ले पे खड़े होके मैच देखकर गवास्कर को सलाह देने जैसा, असली मैच में उतरो डंडी उखड़ जाती है। तू सीरियस है? एक पैसा हमारे पास है नहीं और हमारी शक्ल देख के कोई देगा भी नहीं, तो अकल को काम पे लगाते हैं ना। किसी को 5 का 10 कमा के देंगे तो कमीशन में 8 तो मिलेगी ही मिलेगी। ये मार्केट का मसाला ना 4 चीज़ों से बनता है। पहला टिप, खबर, इनसाइडर ट्रेडिंग, रिसर्च, उसमें थोड़ा रिस्क मिला। अब रिस्क जितना ज़्यादा मार्केट का मसाला उतना ही तीखा। इस मिलावट में थोड़ी भावना मिला। भावना कौन है? इमोशन। ये ट्रेड पंडित बोलते हैं ना, मार्केट का सेंटिमेंट समझो तो इमोशन समझो, और इसी में थोड़ा लक डाल दो तो बन गया मार्केट का मसाला। खिचड़ी बना रहा है कि ट्रेडिंग कर रहा है? तुम भाई आप एक बार पासा फेंक के तो देखो, क्या पता सीढ़ी पकड़ के सीधा ऊपर और वापस गिरा तो? अरे गिर गिर के और कितना गिरेगा ध्रुव भाई, इतना गिर चुका है कि यहाँ से सिर्फ ऊपर ही उठेगा। और देखिए हमारी भी नई कंपनी है, 2 पैसों के चक्कर में कंपनी का नाम नहीं बिगाड़ेंगे हम लोग। वो तो मार्केट गिरने से भी ज्यादा रिस्क। चार लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती के लिफ्ट से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो रिस्क है। अब लक्ष्मी टीका करने के लिए आ रही थी तो मैं मुंह धोने थोड़ी जाता, उन्होंने दिए मैंने रख ली, और क्या पता ससुर के पैसे से अपने को सक्सेस मिल जाए, है ना? सक्सेस क्या है, फेलियर के बाद का नया चैप्टर। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। एक बात याद रखना हर्षद है ना, BSE का कपिल देव है, कपिल देव। हाँ सोचो मत, चलो वो बात पे चीयर्स। पुष्पा आई हेट टीयर्स बट आई लव चीयर्स। वहां पे 4 जन थे, 10 लाख रुपया लगाने को रेडी थे। सिर्फ 4 क्यों? आप तो बोल रहे थे ना 40 लोग हैं। ये देखो खुल जा सिम से। गोवर्धन, गोवर्धन दास, मणिलाल, वसंत, वसंत ने पैसा दिया, अली बाबा और 40 चोर, हर्षद और ग्रोमूल। आते आते ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। धंधा धर्म है सर, और इस धर्म का भगवान है ट्रस्ट। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त है, उन्होंने मुझसे कहा द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट, चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। देर करते चैलेंज लीजिए सर, आज मीठी है ना। मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में, एक दिन में इतना तो मार्केट ने सिखा ही दिया। रिस्क है तो इसका। एक बात याद रखना, ये अमेरिका का वॉल स्ट्रीट नहीं है, बॉम्बे का दलाल स्ट्रीट है, और ये है सट्टा बाजार। यहाँ पे बैर नीचे मारे या बुल ऊपर उठाए, जब लगती है ना तो आदमी सीधा जमीन पर ही गिरता है, तो ज्यादा होशियारी नहीं, समझा? चल। Can't take the heat, get out of the kitchen. अर्शद के धंधे की धार पे भरोसा रख, अच्छे अच्छों की कट जाती है इसके साथ। बिजनेस में सैचुरेशन आता है, दिमाग में थोड़ी आता है, वो तो चलता है कि नहीं। मैं सब समझता हूँ, वो अजय केड़िया तेरे भेजे में ऐसा भसड़ मचा के गया है ना, इसीलिए तू ये सब भाषणबाजी कर। आप स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उछाल लेकर आए हैं, आपको क्या लगता है बजट के बाद इससे भी बड़ा धमाका होगा? देखो मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता, धमाका करने की। बेटा लोग मुझे अमिताभ बच्चन कहते हैं पर मैं हूं नहीं। अरे अभी तो रिस्क का तड़का लगाने का टाइम है, बेचने का नहीं खरीदने का टाइम है। ये बैर लोग मार्केट को जितना नीचे दबा रहे हैं ना, ये उतना ही ऊपर उछले, रिबाउंड करेंगे। ये देखो ये पायलट ऊपर उड़ने वाला है, और साथ में हम भी। ये हर्षद मेहता बहन चोद है कौन?
टाटा है, अंबानी है, कौन है? उनकी न्यूज अगर नेगेटिव नहीं है तो वो न्यूज ही नहीं है। उनका न्यूज़पेपर भी तो बिकना चाहिए भाई, घर तो उनका भी चलना चाहिए ना। बॉम्बे में स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता है। ये बॉम्बे है बॉम्बे, यहाँ सब बदल जाएगा पर दरिया वही रहेगा। तो भाई मैं दलाल स्ट्रीट का दरिया हूं, जिसमें दम है आके थोड़ा नमक चख। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी एस्ट्रोलॉजी। चला जाओ।